अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिरमाल की रेसिपी। ये मैंने अपने बेटे के बर्थडे के दिन बनाई थी। यकीन करें, आप कह नहीं पाएंगे कि बिल्कुल ये घर की शिरमाल है, बिल्कुल बाहर जैसा टेक्सचर, बाहर जैसा टेस्ट। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देखें। ये मैंने बड़ा बॉटल लिया है जिसमें मैंने मिल्क डाल दिया। हाफ लीटर मैंने पूरा मिल्क इसमें फुल किया। अब इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाला, और शिरमाल थोड़ी मीठी होती है इसलिए शुगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेंगे, लेकिन बाद में हम शीरा भी अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून इसमें शुगर डाला, और इसमें अब ईस्ट डाल देंगे। ईस्ट हमने 1 फुल टेबल स्पून डाला इसमें, ईस्ट बिल्कुल फुल। और इसके बाद इसे कवर करके हम छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट्स के लिए कि हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाए। अच्छा सा ये एक्टिव हो जाएगा, हमारा बॉटल पूरा फुल हो जाएगा जब ये एक्टिव होगा। तो अब इसे मैंने साइड में कर दिया। अब दूसरी तरफ हम डो की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने पूरा 4 फुल कप मैंने आटा लिया, मैदा लिया। अब मेरा ईस्ट एक्टिव हो गया, अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ईस्ट के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन लें ताकि ये एक्टिव हो, तो थोड़ा इसमें स्पेस रहे। अब इसी हम मिल्क से अपना आटा गूंधेंगे, तैयार करेंगे। और मैदा मैंने लिया है, आप लोग भी मैदा ही यूज़ करें। और ये सारा दूध इसमें चला गया, इतना ही दूध इसमें लगेगा जितना मैंने इसमें एक्टिव किया। अपने डो के हिसाब से मिल्क डालें। अब ये मैंने घी लिया है, इसमें घी बहुत ज़्यादा जाता है। हमारा आटा रेडी हो गया, अब हम इसमें घी डाल देंगे, और घी डालकर इसे अच्छी तरह से हम गूंधेंगे। ये डो मेकर में तो बन जाएगा, लेकिन घी डाल के हम लोग हाथ से ही इसे गूंधना पड़ेगा सही से, क्योंकि घी सुखाना पड़ता है। अब आटा बहुत ज़्यादा है इसलिए पूरा बाउल हमारा फुल हो गया था। तो ये मैंने अलग से घी को सान के अपने लिड लगा के रख दिया। अब ये राइस हो गया 1 आवर 30 मिनट में, और ये 1 आवर में भी अच्छा सा राइस हो जाता है क्योंकि गर्मी है। अब इसकी एक्सेस एयर हम निकाल देंगे, इसे अच्छा सा फिर से स्मूथ करेंगे इस तरह से। आप इसे थोड़ा अपने हाथ से अच्छा सा इसे स्मूथ कर लें, और इसके बाद इसमें घी मैंने हाफ कप इसमें घी डाला। मेरा कप घी वाला काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से मैंने सारा घी इसमें जो है अच्छे से सुखा दिया आटे में। ये बहुत सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया। अब इसके हम लोइयां बना लेंगे और अपनी शिरमाल बेलना शुरू करेंगे। और इधर मैंने फूड कलर को जो है दूध में मिक्स करके रख लिया है, जिसे हम अपने शिरमाल पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने अपनी शिरमाल को बड़ा कर लिया, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना हमें। अब हम इस शिरमाल का टच देने के लिए हम इसमें मार्क लगाएंगे। मेरे पास और कुछ भी नहीं था तो मैंने बटर नाइफ से लगा लिया इसमें मार्क। सेम वैसे ही लगता है जैसे शिरमाल में लगा रहता है, बिल्कुल बाहर जैसा आपको टेक्सचर है आएगा इसका और टेस्ट आएगा। अब इस पर हमने फूड कलर अप्लाई कर दिया जो हमने दूध में मिक्स करके रखा था। अच्छे से फूड कलर लगाना है। इसी तरह हम अपनी सारी शिरमाल बेल कर तैयार कर लेंगे। अब मैंने ट्रे में एक सारे शिरमाल पहले बेल कर रेडी कर लिया, उसके बाद मैंने सेकना शुरू किया। अब इस तरह से हम सारी बेल लेंगे और इस पर इसी तरह से कट लगाते जाएंगे, मार्क लगाते जाएंगे और कलर लगाते जाएंगे। कलर को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें कलर लगाएं, नहीं चाहें तो नहीं लगाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे शिरमाल का थोड़ा अच्छा लगता है ऑरेंज कलर, इसलिए मैंने लगाया। और इस तरह से मैंने पूरा अप्लाई कर दिया कलर। अब ये देखें, अब इस तरह से आप सारे शिरमाल को बेल लें और उसको इकट्ठा ट्रे में रखते जाएं। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तवे पर अपनी सारे शिरमाल को सेकेंगे। हमें सिर्फ नीचे का सेकना है, ऊपर का हम ओवन में सेकेंगे, ऊपर की रॉड ऑन करके। इस तरह से सारे मार्क लगा दिया मैंने। बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं रखी शिरमाल, ना बहुत ज़्यादा बड़ी रखी, मीडियम साइज़ की थी। आप इस शिरमाल को 1 मंथ तक स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, और उसे जब भी आपको गर्म करना हो तो माइक्रोवेव में या ओवन में, या फिर जो है आप तवे पर ही इसे अच्छा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने शिरमाल अपने मीडियम टू लो तवे पर डाल दिया और इस पर लिड लगा दिया। इस पर लिड लगाना ज़रूरी है, तो आपका शिरमाल अंदर तक कुक हो जाएगा। और इसके बाद अब इसे मैं निकालती जाऊँगी अपने ट्रे में, ओवन ट्रे में। उसके बाद मैं अपर रॉड ऑन करके प्री हीट ओवन पे 180 डिग्री पे इसे 7 to 8 मिनट्स इसे जो है पकाऊंगी। ये ऊपर का थोड़ा अच्छा सा कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना मुझे, तो ठीक ठाक मतलब सॉफ्ट सा शिरमाल बनेगा आपका, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा 6 to 7 मिनट्स में।
और मैंने 6-6 शीरमाल एक साथ ओवन में डाला था, तो ये आसानी हो जाती है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे पर भी उल्टा करके सेक सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल इसी तरह रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप जब तवे पर इसे पलट के रखें तो फिर भी इसकी लिड लगा दें दोनों तरफ से, अच्छा सा कुक हो जाएगा ये। और इस पर मैंने सिमसिम सीड भी डाली है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। और इसके बाद अब ये जो है कुक हो गया। अब मैंने प्री हीट ओवन पे इसे जो है चला दिया है, अपना ओवन को प्री हीट करके उसमें सारी शीरमाल डाल दूंगी और 6 to 7 मिनट से हमारी शीरमाल रेडी हो जाएगी। बस हमें इसे नीचे से कुक करना है। अगर आपके आपको इस पर ही बनाना है तो आप इसे पलट कर फिर लिड लगा दें। अब ये देखें ओवन को मैंने सारी शीरमाल रख दिया ऊपर वाले रॉड पर, अब हमारी शीरमाल रेडी हो गई। अब इसे हम कूलिंग रैक पे रख देंगे और ठंडा करेंगे। और बड़े बाउल में मैंने पानी लिया है, टैप वाटर, और जिसमें मैं शीरमाल को डिप करके निकाल लेंगे इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इस तरह से आप डिप कर करके निकाल लें अपनी, और फिर कूलिंग रैक पर इसे रख दें। और इधर मैंने जो है एक बाउल में शीरा बनाया है शुगर का, और उसके साथ घी, शुगर और घी का शीरा बनाया है। अब इसे हम अपनी शीरमाल पे अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। मैंने बहुत सारी शीरमाल बनाई थी इसलिए मैं पूरी फुल ढेर सारी आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि बहुत टाइम लगता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और सारे शीरमाल मैंने इसी प्रोसेस से बनाया था। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगा करे तो शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।